हाय फ्रेंड, आईसी किचन में स्वागत है। आज हम दाल बाफले बनाएंगे। दाल बाफले बनाएंगे गेहूं के आटे से, वो भी और सूजी से। मैं यहाँ लेती हूँ गेहूं का आटा 1 कप, ये दूसरा कप, और ये 2.5 कप मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, और आधा कप मैंने लिए सूजी। आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, तेल हम लेंगे यहाँ पे 2 चमचे, ये मैंने 2 चमचा तेल लिया है, बस इनफ। दाल वाफले का आटा टाइट होता है, पहले हम इसे मुट्ठी बना लेंगे। तेल को आटे में एब्जॉर्ब कर लेंगे अच्छे से। फिर हमको इसको कड़क आटा गूंथना है, डो को अच्छा टाइट जो होता है ना, हम मटरी बनाते हैं वैसा हमें आटा गूंथ लेना है। मैं बताती हूँ आपको। डाल लिया दोस्तों, एकदम कड़क आटा गूंथना है। जितना पानी लगे हमें उतना ही लगाना है, ज्यादा गीला नहीं करना है आटे को। इसको जितना टाइट लेना है, ज्यादा टाइट नहीं, मतलब टाइट तो लेना है। अभी और पानी ऐड होगा इसमें, 5 मिनट के लिए हल्का सा पानी लगा के हम छोड़ देंगे, क्योंकि जो हमने रवा या सूजी जो डाली है वो पानी एब्जॉर्ब करती है, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी लगा के छोड़ दिया। दाल को मैंने साफ पानी में भिगो के रख दिया था 15-20 मिनट के लिए। ये मैंने 4 मुट्ठी दाल ली है 4 लोगों के हिसाब से। मैं 1 मुट्ठी इसमें हल्दी डालूंगी, पलते समय नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, और ये दिल्ली वाली हींग डालूंगी। गैस को ऑन कर दिया है और मैंने दाल चढ़ने दी है। हरे धनिया की चटनी के लिए, बाफलो की हम चटनी बना रहे हैं, उसके लिए हमें हरा धनिया चाहिए, 2 टमाटर डालना है, कटी डालना है, अदरक के 2 टुकड़े डालना है, आधी चम्मच अजवाइन डालना है, 4 हरी मिर्च डालना है, स्वाद अनुसार नमक डालना है। ये बाफलो की चटनी बना रही हूँ मैं यहाँ बस, और इसको जल्दी से पीस लेना है। ये रही दाल बाफलो की चटनी। इस तरह हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना दाल बाफलो की चटनी, हमें दरदरी रखना है जिससे टेस्ट और फ्लेवर बनता रहे। 5 मिनट हो गए हैं और मैं इस आटे को उठा रही हूँ, मतलब उठा रही हूँ इसको, चिकना कर रही हूँ। हमारा आटा तैयार हो गया है बाफले बनने के लिए। अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इस टाइप से हमें लोई बना लेनी है और अंगूठे से प्रेस करना है दोनों साइड हल्का सा। देखिए इस टाइप से हमको ये बना लेना है। देखिए मैंने सभी एक साइज की बना ली है बाफले। अब हम चलो पानी उबलने रखते हैं। मैंने आधी तपेली पानी रख दिया उबलने के लिए, इसमें उबाल ही आने दे पानी में। मैंने दाल में 4 सीटी ले ली है। देखिए पानी में बॉइलिंग आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी आधी चम्मच से थोड़ी कम। गैस को मीडियम आंच पे कर देंगे और इसमें डालेंगे बाफले 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसको उबलने देंगे। हम चक्कू की सहायता से इसको हल्का सा चला देंगे जिससे ये चिपके ना, और इस जब ये पक जाएंगे ना तो ये ऊपर तैरने लगेंगे। अभी सब नीचे बैठे हैं, जब ये पक जाएंगे तो ये ऊपर तैरने लगेंगे, बस तभी हमें गैस बंद करना है। और हमको आंच थोड़ा सा तेज कर देना है, और ध्यान रहे पानी नीचे ना, इसलिए आप अपने हिसाब से आंच को देखते रहें, बीच बीच में हमें चलाते रहना है। ये फूल के गब्बू हो जाते हैं। ये हरा धनिया चक्कू में लगा था तो इसमें चला गया। उबलने के बाद ये हल्के हल्के हो जाते हैं। अभी मुझे 5 मिनट हुए हैं, 10 मिनट लगते हैं टोटल इसको उबलने में।
देखिए ऊपर आने लगे हैं सब, ये देखिए कितना फूल गए हैं। 10 मिनट हो गए, अब गैस को करती हूँ मैं बंद और इनको निकालती हूँ। अब हमको इसको ठंडा होने देना है। मैंने गर्म पानी से तुरंत सबको निकाल दिया, अब मैं इन्हें ठंडा होने देती हूँ। आप चाहें तो कपड़े पे ठंडा करें, अब इसमें कोई बात नहीं, यहाँ इसमें भी ठंडा हो जाता है, कपड़ा बिछा देंगे तो हल्के से ड्राई हो जाते हैं जल्दी। मुझे जल्दी नहीं है इसलिए मैं ऐसे प्लेट में निकाल रही हूँ। मैं ओवन में सेकूंगी, मैंने गैस पे ओवन चढ़ा दिया है, आप इसे कंडे पे भी सेक सकते हैं। ओवन को गर्म होने देते हैं, ओवन हमारा गर्म हो रहा है, बाफले हमारे ठंडे हो गए हैं। एक बार ओवन प्री हीट हो जाए सो ही हम बाफले इसमें अंदर रखते हैं। ओवन गर्म हो गया है, अब हम इसमें बाफले चढ़ाएंगे। देखिए मैंने पूरे बाफले इसमें रख दिए हैं, अब इसको वो धीमे आंच कर देते हैं और ढक्कन से ढक देते हैं। ढक दिया है, अब हम 5 मिनट बाद देखेंगे इसको। आंच को स्लो रखना है आपको, ध्यान देना है। देखिए एक तरफ से हल्के हल्के सीख गए हैं 5 मिनट बाद, अब फिर हम इसे ढक देंगे। जब तक बाफले हो रहे हैं तब तक हम दाल फ्राई कर लेते हैं। जब तक बाफले हो रहे हैं जब तक मैं कढ़ाई चढ़ाती है गैस पर, लेंगे ऑयल। मैंने एक बड़ा चम्मच इसमें ऑयल डाल चुकी हूँ, सॉरी वो वीडियो में कैच नहीं हो पाया है। अब मैं इसमें डालती हूँ जीरा, राई, आज बिना मैं प्याज लहसुन के बनाऊँगी क्योंकि आज मंगलवार है। आप चाहे तो इसमें प्याज लहसुन डाल सकते हैं, और डालें हरी मिर्ची, दो हरी मिर्ची, आप चाहे तो इसमें प्याज लहसुन डाल सकते हैं, हल्दी, टमाटर पका हुआ बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया मैंने। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया, इसका हरा धनिया डालेंगे यहाँ पर आधी चम्मच। अब इसमें डाल देंगे हम दाल, देखिए कितना कलर आया हमारी दाल में। अब हम डालेंगे यहाँ पुष्प का चना मसाला आधी चम्मच, मैंने आधी चम्मच चना मसाला ले लिया है। ये धीमे धीमे आंच में इसको उबालने देते हैं। ये हमारा हल्का लाइट पिंक आने लगा है, हाँ देखिए हमारे ब्राउनीज हो गए हैं। इनको अभी 5 मिनट और लगेंगे, बीच बीच में आप चाहे तो तेज कर सकते हैं गैस को, ध्यान सावधानी पूर्वक। देखिए हमारी दाल उबलने लगी है, कितना अच्छा कलर आया है। देखिए दाल हमारी उबलने लगी है, बस हमें इसको बंद करना है। हरी धनिया बारीक कटी हुई देसी हम डाल दिए इसमें, मैंने बारीक हरी धनिया कटी हुई। अब हम गैस को कर देंगे बंद। देखिए कितना अच्छा कलर आया फ्रेंड। देखिए हमारे बाफले भी हो गए हैं, हमें चेक कैसे करना, एक बाफला निकालना है और आवाज आनी चाहिए इसको फोड़ने पे। ये देखिए कुरकुरा भी हो गया है, कितना अच्छा कलर आया दोस्तों। देखिए हमारे बाफले भी हो रहे हैं, बस 1-2 मिनट की और देरी है। एक पैन में हमें घी ले लेना है और घी को अच्छा गर्म कर लेना है। हमें बाफला निकाल के इस तरह से फोड़ लेना है और एक प्लेट में रख देना है। घी गर्म हो रहा है हमारा, अब हमें इसको घी में अच्छे से तेज गर्म हो जाने दें। देखिए हमें घी में छोड़ दिया है, बस इनको निकाल लेना है। इस तरह से हल्का सा फ्राई हो जाने दें दोस्तों घी में,
बस इनको निकाल लेना है, आंच को स्लो कर दें। देखिए मैंने घी से निकाल लिया है, अब हम प्लेट सर्व करते हैं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा हो आपको तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब करें दोस्तों, मुझे आप बहुत सपोर्ट।